हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, अगर आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं वीडियो के बारे में आखिरी में बात। कर रहे हैं इंडिया जैसी सफरिंग और किसी मुल्क में ना हो, और मैं यहां तक भी कहूंगा कि चीन में भी ना हो, जबकि चीन ने शुरू कराई है। लेकिन हैविंग सेड दैट सर, आई वांट टू से समथिंग दैट आपको पता है हमारे तरफ वाला अटारी है, आपके तरफ वाला वाघा है सर। पंजाब में ना बॉर्डर, जिसको वाघा बॉर्डर आमतौर से कहते हैं, इंडिया के साइड अटारी, ये अटारी तक प्रॉब्लम है सर, लंकी वाघा में प्रॉब्लम नहीं है सर। ये पाकिस्तान में है कोरोना वायरस, पाकिस्तान में भी लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, कुछ लोगों की मौतें हुई हैं, और ये सब प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन वो जो स्ट्रेन इंडिया का है वो पाकिस्तान में नहीं है, वरना पाकिस्तान का जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तक एक महीना पहले कलाप्स होकर खत्म हो चुका होता। पाकिस्तान में वो नहीं है सर। यूपी में एक जगह गोरखपुर, जहां पे योगी आदित्यनाथ, जहां के यू नो ही हेल्स फ्रॉम देयर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं वहां पे काफी बार, योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के बगल में नेपाल है। इंडिया में ये गोरखपुर में है सर, ये प्रॉब्लम, मौतें हो रही हैं गोरखपुर में, लेकिन नेपाल में नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो पूरी चीजें हैं इस वक्त, ये टारगेटेड भी है सर, ये स्टेबल भी है। और लोग जो कह रहे हैं ना सरकार को कि आपने इसका आपने इसका वो नहीं करा, आपने तैयारी नहीं, इसकी तैयारी हो ही नहीं सकती, ये हो नहीं सकती। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं आपको कि मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, 6 या 7 अप्रैल को पिताजी अस्पताल में थे, और उनकी काफी तबीयत खराब हो गई थी सर, और तब तक ये वायरस हिट नहीं करा था ताहिर साहब, तब तक ये वायरस बिल्कुल ठीक ठाक था, मतलब ये जैसे नॉर्मल कोरोना चल रहा था, चल रहा था। अचानक 9, 10, 11 तारीख की रात, 12 तारीख की रात को, वो दरमियानी रात, और उस समय फादर हॉस्पिटल में ही थे, मुझे मैं अटेंडेंट था उनका, तो एक फैमिली मेंबर रह सकता, तो आई वाज हिज अटेंडेंट, और ताहिर साहब मैंने देखा कि उससे शुरू हुआ, और उस समय किसी को नहीं पता था कि ऑक्सीजन की इतनी किल्लत पड़ जाएगी। अब हमें नहीं पता कि जो इसकी थर्ड वेव आएगी या फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी, हो सकता है उसमें किसी और चीज की रिक्वायरमेंट हो, तो आज कैसे कोई वो ये कोई अंतर्यामी है जो पता लगा ले कल क्या होगा, नोबडी नोज कि कल कैसे, वी कैन ओनली रिस्पॉन्ड, बट डेफिनेटली दिस हैज ऑल द हॉलमार्क्स ऑफ अ बायो वेपन। और आखिरी में कहना चाहूंगा ताहिर साहब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो जो चीफ हैं, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि वी वर नॉट गिवन ड्यू एक्सेस टू चाइनीज लैब्स, चाइना ने बहुत उसके बारे में, उनका ही ऑन रिकॉर्ड, मैं सब रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, और कल परसों वो चाइनीज साइंटिस्ट का नाम भूल गया, मोहतरमा का, उनका भी वो आया है कि शी इज नाउ रन अवे टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वो सेटल हो गए, चाइनीज साइंटिस्ट, शी वर्क्ड ऑन दिस ओनली, और उन्होंने ही बोला था कि ये है, ये चाइनीज जो है ये वायरस तैयार कर रहे हैं, बायो वेपन तैयार कर रहे हैं फॉर वॉर। आपने जिस चाइनीज वायरोलॉजिस्ट का जिक्र किया, उनका नाम डॉक्टर यान है, और मैंने सबसे पहले उनका इंटरव्यू बहुत महीने पहले यहाँ अमेरिका के टीवी चैनल्स पे, फॉक्स पे सुना प्रिसाइजली, फिर मुझे अमेरिकन दूसरे टेलीविजन पर भी उनको सुनने का इत्तेफाक हुआ, फिर मुझे उनको यूरोपियन टेलीविजन नेटवर्क पर भी देखने और सुनने का इत्तेफाक हुआ, फिर मुझे कल शायद भारत के चैनल रिपब्लिक में भी वो अपनी बात कर रही थी। लेकिन सिर्फ वो एक अकेली ही साइंटिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। रिसेंटली यूरोप के एक नोबेल लॉरिएट ने यह बात की है, यानी इसका मतलब यह है कि यह जो वायरस है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि जो बकायदा इसको डायरेक्ट कर रही है कि ये जो टेरिटरी है इसमें आपने किस तरह एक्सप्लोर करना है। तो ये आप समझते हैं मेरे साहब कि क्या वाकई ही भारत में इस पर मजीद रिसर्च होगी? रिसर्च मेरे हिसाब से शुरू हो गई ताहिर साहब इसके ऊपर, भारत में रिसर्च की क्या चल रहा है अभी। भारत, हम लोग ऐसे नहीं आते, खुलेआम बोलते नहीं हैं, आपको भारत की जो भी सरकारें यहाँ पे रही हैं, मजीद चाहे वो कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं इंडिया में कि कोई मुंह फट होके सामने बोल दे कोई भी चीज, तो ऐसा नहीं हुआ है भारत में। लेकिन जिस दिन प्रूफ होगी तो भारत इसको लेकर सामने आएगा, लोगों ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है, और जहां तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है हमारी एम्बेसीज जो हैं हर जगह वो उन साइंटिस्ट के साथ और उन रिसर्चर्स के साथ रابطे में हैं, दे आर इन टच, दे आर कलेक्टिंग एविडेंस, एंड आई एम श्योर द वर्ल्ड विल टुगेदर कन्फ्रंट चाइना विद दैट एविडेंस। क्योंकि ये देखिए चाइनीज सोशल मीडिया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल हैंडल्स मजाक उड़ा रहे हैं। आप देखिए, लुक एट द इनह्यूमैनिटी ऑफ द चाइनीज, एटलीस्ट द सीसीपी इफ नॉट द पीपल। हम चाइनीज लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। फ्यूनरल पायर्स आर बर्निंग इन इंडिया, ठीक है जी, शमशान घाट में यहां पे
अर्थियां जल रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट राइट्स चल रही हैं, और चाइनीज अपने लॉन्ग मार्च रॉकेट दिखा रहे हैं, एक तरफ दिखा रहे हैं कि इंडिया में फ्यूनरल्स हो रही हैं और वहां पे हमारा लॉन्ग मार्च जा रहा है। अब ये आप देखिए कि माइंडसेट क्या है चाइनीज का, उनको ये शर्म नहीं है, ये बिल्कुल भी शर्म नहीं है चाइनीज को कि उनकी वजह से लाखों दर लाखों लोग पूरी दुनिया में मारे गए सर। उनको ये शर्म नहीं है कि करोड़ों लोगों की जिसको लाइवलीहुड है, जीविका, वो खत्म हो गई, ठीक है, उनके बच्चे भुखमरी से मर रहे हैं, इवन अगर कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है, वो अफेक्टेड नहीं है, आई बेग योर पार्डन, फिर भी वो लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के रोजगार चले गए, लेकिन चाइना जश्न मना रहा है, बिकॉज जो चाइना यू सी जो अब जैसा मुल्क होगा तो वहां के जो वहां के रहनुमा भी वैसे ही होंगे। अब यू नो यू कांट हैव डिफरेंट पीपल इन चाइना, सो दे आई मीन दी कम्युनिस्ट पार्टी, और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे ऐसा, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर रिसर्च हो, यहाँ पे इंडिया में रिसर्च चल रही है, लोग रिसर्च, अभी हमारा फोकस है कि लोगों को कैसे हमने अपने लोगों को राहत पहुंचानी है, ऑक्सीजन किस तरीके से पहुंचानी है, वैक्सीनेशन ड्राइव किस तरीके से और तेजी लानी है इसमें, ये सब हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक दिन खत्म होगा, ऐसा तो नहीं कि 10 साल चलेगा सर, ये भी खत्म हो जाएगा, और जिस दिन खत्म होगा सर, आई एम 100% कॉन्फिडेंट इन द गवर्नमेंट एंड इन द वर्ल्ड बॉडीज इन क्वाड कि इसका ना एक एक जान का हिसाब चीन से लिया जाएगा, क्योंकि चीन हत्यारा है सर, चीन इज गिल्टी ऑफ जेनोसाइड, कोविड इज अ बायो वेपन एंड चाइना इज गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। देखिए बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग शब्द हैं कि ये चीन जेनोसाइड कर रहा है। हम देखते हैं कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोल होता है कि वो टेरिटोरियल है, तो आपने कहा कि हमें ऐसा ही लग रहा है, तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी चली कि ये भारत का वेरिएंट है, इससे पहले हमने सुना साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, उसके साथ साथ हमने सुना था कि ये ब्रिटेन का वेरिएंट है या फ्रांस का वेरिएंट है, तो इसका मतलब आपका जो आर्गुमेंट है उसको एक तरह से वैलिडेशन मिल रही है कि वाकई ही कोई उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस वायरस की, जो एलिजिबली बिल्कुल बायो वेपन हो सकता है। तो क्या ये जो वेरिएंट का ये जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, क्या आप समझते हैं कि ये वाकई वैलिडेट कर रहा है आपके आर्गुमेंट को, और जो आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल है प्रोफेसर साहब का, उसके आर्गुमेंट को? नहीं बिल्कुल तायर साहब, आप देखिए ना, ये जो हम कह रहे हैं साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, फिर हम कह रहे हैं इंडियन वेरिएंट है, या ब्राजीलियन वेरिएंट है, यूके का वेरिएंट है, ये सब वेरिएंट्स हैं क्या? ठीक है, ये जो वायरस है ये म्यूटेट कर रहा है और अलग अलग इसके आइट्रेशंस निकले जा रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर का वेरिएंट है सर, इसमें जर्मनी का भी वेरिएंट है, इसमें यूएस का भी है, इंडिया का भी है, लेकिन चाइना का नहीं है सर। आपने देखा जहां से इसने जन्म लिया वायरस ने, जिन लोगों ने लैब में इसको पैदा करा, उनसे आप चाइनीज वायरस बोल। गाइस तो ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से चाइनीज़ वायरस को लेकर दुनिया में इसके जो वेरिएंट आ रहे हैं उसको नाम दिया जाता है, लेकिन चाइनीज़ वायरस को चाइनीज़ वायरस नहीं बोला जाता है। गाइज़ आपको पता है कोरोना की जो सेकंड वेव है उससे इंडिया की हालत ख़राब हुई है, इसमें कोई नो डाउट, इसमें कोई मतलब छुपाने की बात ही नहीं है, इंडिया की हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब हुई है, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है, और इस बार के लॉकडाउन में तो लोग खुद अपने आप ही इतने सतर्क हुए हैं, लॉकडाउन में उससे पहले नहीं, लॉकडाउन पहले तो हम ऐसे नॉर्मल घूम रहे थे जैसे कि कोरोना मतलब 100 साल पहले आया था, लेकिन आपको भी पता है कि कोरोना की सेकंड वेव सभी जगह आई थी, हम बिल्कुल भी कोरोना से तैयार मतलब थे ही नहीं। जब वैक्सीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में थी तब भी 45 प्लस वाले वैक्सीन लेने के लिए नहीं जा रहे थे, अब सिचुएशन ये है कि 45 क्या सब कोई जा रहे हैं लेकिन वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आपको भी पता है जब एक साथ इतनी बड़ी आबादी वैक्सीन के लिए टूटेगी तो कहाँ से अवेलेबल रहेगी। लेकिन गाइस गौरव आर्या ने जो एक पॉइंट की बात की है कि भारत के आसपास के जो देश हैं वहाँ पर कोरोना नहीं दिख रहा है, केवल भारत में ही क्यों दिख रहा है, ये थ्योरी कुछ ना कुछ तरीके से डेफिनेटली डाउट क्रिएट करती है कि भारत में ही सेकेंड वेव क्यों दिख रही है, क्योंकि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सब लगभग सेम टेम्परेचर सेम एक से ही लोग हैं, सेम जेनेटिक्स के लोग हैं, कोई इसमें डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। तो ना कोरोना बांग्लादेश में दिख रहा है, ना कोरोना श्रीलंका में दिख रहा है, ना कोरोना म्यांमार में दिख रहा है, ना कोरोना पाकिस्तान में दिख रहा है। हालांकि नेपाल में भी कुछ दिन पहले तक कोरोना नहीं दिख रहा था, लेकिन अब नेपाल में केसेस आने लगे हैं, क्योंकि रीज़न उसका क्या है, जो लोग यहाँ थे वो नेपाली वो वहाँ जाने लगे और वो कोरोना ले गए।
नेपाल में स्टार्टिंग में कोरोना नहीं था जिस तरीके से इंडिया में कोरोना था। अब तो इंडिया को वैसे भी आपको पता महीना भर हो गया कोरोना से, कितने सारे लोग डेथ हो चुकी है और कितने सारे लोगों का व्यापार धंधा सब कुछ बंद है। तो गाइज ये थ्योरी डेफिनेटली चाइनीज़ और चाइनीज़ का जो एक ग्लोबल मीडिया है, मतलब जो उनका ट्विटर हैंडल है उसमें वो सेलिब्रेट टाइप का कर रहे हैं। उनको देखें तो वो हिंदुओं को टॉन्ट मार रहे हैं, जो हिंदू मतलब ऐसे कई लोग हैं जो गाय का गोबर या गाय का शरीर में लगा रहे हैं और उससे कोरोना ठीक कर रहे हैं। भाई मरता क्या ना करता, किसी ने कुछ बोल दिया होगा तो वो कुछ ऐसा करने लगे होंगे, तो उसको लेकर चाइनीज़ टॉन्ट मार रहे हैं, इस तरीके की चाइनीज़ चीज़ें कर रहे हैं। तो इससे लगता है कि डेफिनेटली चाइनीज़ बहुत खुश हैं इंडिया में ये कोरोना फैलने से। गाइज उम्मीद करते हैं ये कोरोना बहुत जल्दी इंडिया से ख़त्म हो और हम फिर से अच्छा फाइट बैक दें दुनिया में, फिर से GDP में उसी तरह से ग्रोथ करें, हर चीज़ व्यापार धंधा पानी सब कुछ सभी लोग अच्छे से करें और नॉर्मल लाइफ फिर से वापस आए। लेकिन कोरोना से ज़्यादातर देश तो अब निकल चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना से यूरोप के देश तो निकल चुके हैं। बेसिकली यूरोप के देश बहुत बुरी तरह से फर्स्ट वेव में ही उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी, तो सेकंड वेव के लिए वो वैसे ही इतने ज़्यादा प्रिपेयर थे और उन्होंने आबादी इतनी कम है। इंडिया में लगभग 18 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है और आपको बता दूँ यूरोप में इतनी कम आबादी है कि यूरोप के 70% देश को भी मिला दे तो 18 करोड़ आबादी नहीं होगी। इस तरीके की हालत है। अगर हम यूरोप जैसे होते तो हम तो कब के कोरोना से निकल जाते। कोरोना से बहुत सारे देश निकल चुके हैं, बेसिकली कोरोना इंडिया में है अभी। जापान में कुछ लॉकडाउन लगा है, जापान में कोरोना फिर से रिटर्न हुआ है। सब कॉन्टिनेंट में कोरोना दिख रहा है और कहीं ज़्यादा कोरोना दिख नहीं रहा है। अमेरिका में भी केसेस आ रहे हैं लेकिन अमेरिका ने अपनी आधी आबादी को वैक्सीन लगा दी है, 33 करोड़ की आबादी, उन्होंने लगभग 15 करोड़ प्लस वैक्सीन लगा डाली है। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं कोरोना के लिए आपने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा। आपके घर में बड़े बुज़ुर्गों ने वैक्सीन नहीं लगवाई तो प्लीज़ उन्हें लगवाएं वैक्सीन। अगर एक डोज भी मिल जाए तो लगवा लें, उससे भी वो 80% तो लगभग सुरक्षित हो जाएंगे। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।